तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक कमाल की एक ट्रिक बताने वाला हूँ, या फिर बोल सकते हैं कमाल का आपको एक सेटिंग बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में वहां पर जो आपका मोबाइल की नेट की स्पीड अगर आपकी स्लो चल रही है, तो आप उसको उस सेटिंग से या बोल सकते हैं इस टिप के थ्रू आप अपने मोबाइल की नेट की स्पीड को वहां पर बढ़ा सकते हैं। या तो बोल सकते हैं हाउ टू सॉल्व स्लो इंटरनेट प्रॉब्लम इन सैमसंग गैलेक्सी, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले। तो चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी अरोर, आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी में जो इंटरनेट की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं अगर आपके मोबाइल की नेट की स्पीड स्लो चल रही है तो उसको कैसे आप तेज कर सकते हैं, उसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैं ले चल रहा हूं यहां पर प्ले स्टोर में, और यहां पर आपको एक ऐप डाउनलोड कर लेना है स्पीड टेस्ट के लिए। कोई सी भी अपने एक ऐप डाउनलोड कर लेना है आपको स्पीड टेस्ट के लिए। तो मैं यहां पर मैंने एक ये ऐप डाउनलोड करके रखी हुई है स्पीड टेस्ट के लिए, और आप पहले तो स्पीड टेस्ट कर लेते हैं पहले, और फिर बाद में टेस्ट करेंगे सेटिंग करने के बाद। दोनों ही तरीके से आपको पता लग जाएगा कि पहले कितना था और करने के बाद कितना अंतर रहा। मैंने यहाँ पर इसको गो पे क्लिक कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी इंटरनेट स्पीड कितनी आ रही है, अभी 43, 44, 45। तो आप अभी देख सकते हैं अभी मेरे पास डाउनलोडिंग 48 आ रही है और अपलोडिंग 6-7 के आसपास यहाँ पर अभी दिखा रही है। ये भी बहुत अच्छी है क्योंकि मैं सेटिंग करता रहता हूँ, इसलिए मेरे पास ज़्यादा ही दिखा रही। हो सकता है आपके पास कम दिखा रहा हो, या हो सकता है आपके पास ज़्यादा भी दिखा रहा हो। बट जो मैं सेटिंग बताने वाला हूँ उससे क्या होगा, अगर आपके मोबाइल में थोड़ी बहुत भी इंटरनेट का इशू है, वो पूरी तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल स्पीड ये आ रही थी। अब मैं वापस आपको सेटिंग्स में बताने वाला हूँ जो कि आपको सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के, पहले तो मोबाइल के नेट को ऑफ कर दीजिए। सबसे पहले मोबाइल के नेट को ऑफ कर दीजिए, फिर सेटिंग पे जाइए। सेटिंग्स पे जाने के बाद पहले जाना है आपको यहाँ पर कनेक्शन पे। कनेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पर जाना है आपको मोबाइल नेटवर्क पे। मोबाइल नेटवर्क जाना है, एक्सेस पॉइंट पे चले आना है। यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट ये यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर जाने के बाद आपको इसको क्लिक करके रीसेट टू डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना, और इसको रीसेट पे क्लिक कर देना है। रीसेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सेकंड चीज क्या करनी है आपको, फिर बैक आना है, यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर आपको जाना है जनरल वाले ऑप्शन पे, जनरल मैनेजमेंट में चले जाना है। जनरल मैनेजमेंट में जाने के बाद आपको अब वापस ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रीसेट करने का, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको उस पर रीसेट पे क्लिक कर लेना है। रीसेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है रीसेट नेटवर्क सेटिंग, सिर्फ रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे ही क्लिक करना है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। तो आपको यहाँ पर रीसेट पे क्लिक कर लेना है। रीसेट नेटवर्क सेटिंग के लिए आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो भी आपको देना है पासवर्ड दे दो, और उसके बाद वो रीसेट हो जाएगा। ऑल नेटवर्क द एक्शन कैन नॉट बी अंडर, ऑल नेटवर्क सेटिंग कैन बी रीसेट। सब ऑल नेटवर्क सेटिंग यहाँ पर रीसेट हो चुकी है। उसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको जाना है अपने ब्राउजर पे, कोई से भी ब्राउजर आप जो यूज करते हैं उस ब्राउजर पे आपको चले जाना है। ब्राउजर पे चले जाना है, उसके बाद यहाँ पर जाना है सेटिंग पे। ब्राउजर की सेटिंग पे जाने के बाद आपको वहां पर जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी पे, एंड देन आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा पे क्लिक कर देना है। ऑल टाइम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और ये सब चीज़ें करके आपको यहाँ पर डेटा को क्लियर कर देना है। डेटा को यहाँ पर जैसे ही आप क्लियर करेंगे, पूरा डेटा यहाँ पर क्लिक हो चुका है। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अपने मोबाइल को यहाँ पर एक बार रिस्टार्ट करना है। अगर आप रिस्टार्ट नहीं कर सकते तो आप यहाँ पर एक बार फ्लाइट मोड पे ऑन ऑफ कर लीजिए, जो भी मैंने सेटिंग बताई है उन सबको करने के बाद। ये जो सेटिंग बताई है बिल्कुल जेन्युइन तरीका, और मैंने इसको अप्लाई किया हुआ, 100% इसका रिजल्ट मिलता है। फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करने के बाद फाइनली आपका नेट यहाँ पर ऑन हो चुका है। आप देख रहे होंगे नेट ऑन हो चुका है। अब वापस आपको जाना है अपनी स्पीड टेस्ट वाली ऐप पे, और आपको यहाँ पर ट्राई करना है। अब आप देखेंगे पहले से वो थोड़ा बहुत बेटर आपको इम्प्रूव लगेगा, हो सकता है और ज़्यादा भी हो। अगर आप ज़्यादा यूज़ आपने पहली बार कर रहे हो तो आपको ज़्यादा अंतर दिखेगा, जैसे कि मैं करता रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा अंतर नहीं दिखेगा। हो सकता है कुछ भी अंतर ना दिखे, बट जब आप पहली बार करेंगे, मतलब बहुत टाइम बाद अब आप करेंगे, तो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंतर वहाँ पर मिलेगा, पहले से ज़्यादा आपको। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर अंतर आपको खुद ही दिख रहा है, ये 60-57 के आसपास पहुंच गया। पहले 45 आया था, अब ये उसके ऊपर पहुंच चुका है। ये आपको यहाँ पर खुद ही अंतर दिख रहा होगा, पहले कितना था और अब कितना है। दोनों में, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में, दोनों में फ़र्क आ गया। पहले आप डाउनलोडिंग आया था 45 कुछ आया था, और वहाँ पर अपलोडिंग आया था 7 के आसपास। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपलोडिंग 10 आ रहा है और डाउनलोडिंग 57। दोनों पे ही आपको अंतर खुद ही दिख रहा होगा।
दोनों में ही आपको अंतर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से सेटिंग से जेन्युइनली बता रहा हूँ आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, कुछ ना कुछ तो फर्क आपको 100% मिलेगा। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये जो सेटिंग मैंने बताई उससे आपको फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और हो सके तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लो यार, और हो सके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर लेना। तो थैंक यू सो मच।